सैनिक निदेशालय में पूर्व सैनिक श्रेणी वर्ग के सरकार के विभिन्न पदों को भरने की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। पूर्व सैनिक श्रेणी वर्ग के करीब 800 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए जूनियर ऑफिसर अटेंडेंस पदों की भर्ती के लिए पूर्व सैनिक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पात्र पूर्व सैनिकों को उसका लाभ मिलेगा। इन पदों के लिए जमादों की योग्यता हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय में टाइपिंग तथा एक वर्ष को कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है। जेओए श्रेणी वर्ग के 120 रिक्त पदों के लिए 4 अप्रैल से छठनी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सैनिक निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने बताया कि 4 अप्रैल को जेओए के पदों की भर्ती के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा जेवीटी टीजीटी पीजीटी जेई सहित अन्य विभिन्न पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया दूसरे चरण में 11 व 12 अप्रैल से शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि योग्यता व पात्रता तथा पदों की उपलब्धता के कारण पूर्व सैनिकों को विभिन्न पदों के कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। विभिन्न पदों के आधार पर पूर्व सैनिक निदेशालय ने करीब 600 पूर्व सैनिकों को इंटरव्यू पत्र जारी किए गए हैं। विभिन्न पदों की छठनी परीक्षा के उपरांत पूर्व सैनिक इस परीक्षाओं के परिणाम की जानकारी के लिए वह पूर्व सैनिक निदेशालय की वेबसाइट पर भी सभी प्रकार की इंटरव्यू संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए 15% आरक्षण के तहत हम 2 और 3 अप्रैल को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए छठनी की कार्य करेंगे। इसमें तकरीबन 805 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और इस वक्त हमारे पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के तकरीबन 250 पद हैं। 2 और 3 को छटनी होगी और 4 तारीख को इनका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके लिए 10+2 की योग्यता और साथ में टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी है और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। दूसरे चरण में 10 और 11 अप्रैल को बाकी पदों के लिए, जिसमें कि टीजीटी पीजीटी जेबीटी ड्राइंग मास्टर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर सिविल आदि पदों के लिए हम छटनी करेंगे। उसके लिए भी तकरीबन 800 के करीब उम्मीदवार बुलाए जाएंगे और ये 10 और 11 तारीख को इनकी छटनी की जाएगी। तकरीबन 800 के करीब पोस्टें हैं, लेकिन ये सब योग्यता पात्रता वरिष्ठता और पदों की उपलब्धता के बाद किया जाएगा कि कौन से पद के लिए कितने आदमी बुलाए जाएंगे, लेकिन टोटल इन 2 चरणों में तकरीबन 1600 आदमियों को बुलाया जाएगा। उम्मीदवार इसके लिए बुलाए जाएंगे, इनकी लिस्ट हम विभाग के जो वेबसाइट है उसके ऊपर 20 तारीख के बाद डाल देंगे, लेकिन इनके कॉल लेटर इंडिविजुअल कॉल लेटर सबको 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहां से डिस्पैच कर दिए जाएंगे और 20 तारीख के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं अपना नाम इस लिस्ट के बीच हमारे विभागीय वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं।